हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम वीडियो। तो मैं पहले तो ये डॉट ब्लॉक ले लेता हूँ। तो मेरे घर के पास बहुत गड्ढे मतलब क्रीपर फूटे थे, तो इससे गड्ढे बने पड़े। तो ये पहले केव में मिटा देता हूँ। यहाँ से मैंने सारा आयरन तो निकाल लिया था। ये केव इतनी भी बड़ी नहीं है, इसलिए इसे मिटाना ही ठीक रहेगा। तो यहाँ का काम हो चुका है। तो ये वाली केव तो बहुत बड़ी है, तो इसे मिटाना मतलब, अरे घोड़ा नीचे ये क्या कर रहा है? घोड़ी मुझे डर नहीं लगता नीचे। चलो उसे छोड़ देते, हम बाकी का काम पहले कर लेते। पहले इसे थोड़ा सा लगा लेता हूँ, वरना मैं ही यहाँ से गिर जाऊँगा। मेरे अलावा यहाँ पे कोई नहीं गिरता। यहाँ पे थोड़ा गड्ढा और ये सब अनइवन है ना, तो इसको मैं मतलब क्लीन कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ का तो थोड़ा बहुत मेरा हो चुका है। तो गाइस एक बात बतानी थी, यहाँ जो बी का नेस्ट है, तो यहाँ से बी गायब हो चुकी है। मुझे कुछ आइडिया नहीं कहाँ गए, पर आप अगर आपको मालूम होगा तो आप कमेंट पे ज़रूर बता देना, मैं ज़रूर से पढ़ लूँगा। तो पूरा काम मेरा हो चुका है। पीछे ये विलेजर क्या कर रहा है? अरे विलेजर, क्या हालचाल, कैसे हो? तो गाइस आपको एक बताना था, हमारे इस विलेज में बहुत सारे फार्मर्स है। यहाँ पे कंपोस्टर, यहाँ पे कंपोस्टर। तो मैं सोच रहा हूँ कि इन कंपोस्टर को तोड़कर यहाँ पे कुछ अलग ब्लॉक्स मतलब अलग ब्लॉक्स जैसे आर्मर वाला, वो उनको जॉब दे दो। आज अपन इस विलेज को बहुत आगे मॉडर्नाइज कर देंगे। फार्मर्स के एज से हम अरे कौन है वहाँ पे? ये तो बेरुपिया। अरे ये क्या बोलते, पिलेजर, जो कि विलेजर का दुश्मन है। गाइस पिलेजर यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो पहले इसके पास जाता हूँ। पहले ये शायद से अकेला है यहाँ पे आए। अरे तुझे पता नहीं क्या, इसे मारना पड़ेगा गाइस। और अरे गाइस ये तो बॉय अपने विलेज के पास एक पिलेजर का टावर है गाइस। अरे यहाँ से पहले तो भागो, वरना वो हमें मार देगा। तो हम शायद से यहाँ पे वॉल बना सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए। तो गाइस आज हम लोग एक फूड फार्म बनाएंगे। फूड की मेरे पास बहुत ज़्यादा कमी है। देखो यहाँ पे सिर्फ दो ही कुक्ड मटन है और वहाँ पे पिलेजर आउटपोस्ट बना के रखे हुए हैं, तो मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। तो गाइस 11x11 की मैंने फेंसिंग कर ली है। तो यहाँ पे डर्ट ब्लॉक को तोड़कर यहाँ पे मैं पानी डाल देता हूँ, तो उससे पूरी जगह पे मतलब जो इरिगेशन होती है ना, तो वो होगी। तो गाइस मेरा ये प्लान है कि इस फार्म की एक साइड बीट से भरी पड़ी होगी, एक साइड कैरेट से और एक पोटैटो से, और एक कौन सा तो फूड वाला फार्मिंग वाला मटेरियल हम लगा देंगे। तो यहाँ पे पहले तो कैरेट्स कुछ लगा लेता हूँ। पीछे मैंने बीट सीड्स लगाए, बीट सीड्स की थोड़ी कमी थी इसलिए मैंने 4-5 ही लगाए थे, पर कैरेट्स हमारे पास कुछ ज़्यादा ही है। कैरेट्स मैंने एक कॉर्नर पे लगा लिए है, तो कुछ पोटैटोज मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ पहले। पोटैटोज मतलब बेक करके बहुत अच्छा फूड सोर्स भी बन सकते हैं, तो गाइस पोटैटोज एक अच्छा ऑप्शन रहेगा हमारे लिए। इस साइड को हम क्या क्या लगाए, मेरे पास कुछ है क्या? अरे कुछ सीड्स मतलब
बीटरूट के सीन्स शायद से मेरे पास पड़े होंगे, देखना पड़ेगा। अरे घोड़ा, ये घोड़ा क्या कर रहा है इस फार्म में? हाँ इस फार्म में तो बीटरूट सीड्स है ना, तो इसी फार्म से मैं उठा लेता हूँ। इस फार्मर की जॉब तो मैंने ले ली है। एक बात बताना चाहता हूँ गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो कर देना, और अगर मैं किसी पॉइंट पे गलत हूँ या आपको कुछ सजेशंस देने तो कमेंट्स तो ज़रूर कर लेना। बीटरूट लगाने का मन तो मेरा नहीं कर रहा, क्योंकि इसका प्रोडक्शन बहुत कम होता है। एक मतलब जब ये ग्रो होता है तो हमें सिर्फ एक बीटरूट मिलता है और कहीं ज़्यादा सीड्स मिलते हैं। इसका कोई फ़ायदा तो नहीं है और बीटरूट अच्छी खासी हेल्थ भी नहीं पड़ता। तो गाइस मुझे सिर्फ वेट करना है इनके ग्रो होने का, और जैसे ये ग्रो होते हैं तो मैं इन्हें हार्वेस्ट करके और रीप्लांट मतलब और सीड्स मिलेंगे और उन्हें मैं रीप्लांट कर लेता हूँ। अरे चिकन कैसे हो? अरे मैं तुम्हें, अरे ये मेरे पीछे क्यों आ रही? हाँ मेरे हाथ में सीड है ना, ये ले। अरे इसे बहुत अच्छा लगा गाइस, एक लाइक तो दे देना इस चिकन के लिए। अरे ये पीछा मेरा क्यों कर रही है? चल आ जा, तो इस फार्म में आज से रहेगी, आ जा फार्म में फार्म की देखभाल करेगी ना तू देखभाल इस फार्म की? हाँ बोल रही है गाइस। तो पहले तो यहाँ से निकलते। तो गाइस मैं यहाँ पे कुछ पम्पकिंस लगाने की ट्राई कर रहा हूँ। इसके नीचे मतलब वाटर का सोर्स है इस स्लैब्स के नीचे, और पम्पकिन के सीड्स ग्रो मतलब बहुत धीरे धीरे होते हैं, तो तब तक एफ के मुझे यहाँ पे बैठना पड़ेगा। तो गाइस करीब आधा घंटा हो चुका है, मैं मतलब 10-10 मिनट में आके रात होने का वेट करके सो जाता था, तो इससे जॉम्बिस का खतरा तो नहीं रहा मुझ पर। और ये वीट और जो क्रॉप है वो अच्छी तरीके से ग्रो। अरे ये मैंने ब्लॉक प्लेस कर दिया यार, तो इसे पहले निकलता। तो बीटरूट तो देखो गाइस, एक एक दो दो शायद, अरे नहीं शायद से मुझे दो दो मिल रहे हैं एक से, तो कोई नहीं, जल्दी से मैं ये हार्वेस्ट करके फिर से प्लांट कर देता हूँ। और ये पोटेटो तो बहुत मिलते हैं, शायद से एक क्रॉप से तीन मिलते हैं, और कैरेट एक दो मिलते हैं शायद से, नहीं दो तीन। अरे ये तो क्रीपर का फेस, यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक लगाना था, ये मैं बाद में लगा देता हूँ बाद में, ओके। कैरेट तो मेरे पास अच्छे खासे हो चुके हैं, मतलब इस छोटे से एरिया में ही बहुत अच्छी ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है। कैरेट और पोटैटो ये कैश क्रॉप हम बोल सकते हैं, कैश क्रॉप जैसे। तो कुछ पोटैटोज में यहाँ पे लग लेता हूँ जल्दी से। अभी के लिए तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही लगा लेता हूँ। अरे ये किसने किया? बिग्गी अब तो गया बेटे, बाय 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 बाय। तो गाइस फाइनली ये फार्म बन के रेडी हो चुका है। आपको पीछे एक स्केयरक्रो दिख रहा होगा, ये मैंने टाइम पे मैंने कर दिया था, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम बचा हुआ था। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।